नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है DRDO RAC यानी कि रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है साइंटिस्ट के लिए। एक बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों इंजीनियरिंग से बैचलर कैंडिडेट्स के लिए कि वो इसके लिए आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी और जो पैकेजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लक होगा दोस्तों सभी कैंडिडेट्स का, अगर वो DRDO में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाती है। लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 40 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री के कैंडिडेट्स जिन्हें थोड़ा सा अपने फील्ड का अनुभव है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 50 साल एज लिमिट रखी गई है। हालांकि वैकेंसी वाइज एज में कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटली इंटरव्यू के बेसिस पर यहां पर सिलेक्शन की जाने वाली है। तो ये एक और बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आप इसके लिए आवेदन करें, क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप इसके लिए इंटरव्यू में जाएं और आपके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। सैलरी की बात करें तो सबसे अच्छी सैलरी अपने पैकेज के अंदर इसमें होती है। बैचलर डिग्री के कैंडिडेट्स को यह सैलरी इनिशियली कहीं पर भी नहीं मिलती है, मगर यहाँ पर DRDO की तरफ से दी जा रही है। 1,31,100 रुपये से स्टार्टिंग है और ये दोस्तों बेसिक पे है, इसमें अभी HRA इंक्लूड नहीं है और ग्रेड पे 4,200 रुपये भी इंक्लूड नहीं है, जिसे मिला देने के बाद ये फिगर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब नहीं है दोस्तों, परमानेंट जॉब है ये, इसीलिए एक और बड़ा रीज़न है कि आप इसके लिए आवेदन करें, क्योंकि आमतौर पर जनरली आजकल देखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा निकाली जाती हैं, मगर ये एक परमानेंट जॉब है तो इसके लिए बिना कोई टेंशन लिए आप आवेदन ज़रूर करें। 14 जुलाई 2019 ये लास्ट डेट रखी गई है इसके लिए आवेदन करने के लिए। 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, हालांकि SC ST कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर जाकर के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लें और उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।